दोस्तों ऊटी किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ घूमने के लिए वैसे तो बहुत कुछ है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको दो दिन के ऊटी ट्रिप के बेहतरीन जगह के बारे में बताएंगे। अगर आप भी ऊटी में दो दिन का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखना, और हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। पहले दिन आप अपने होटल से नाश्ता करके डोडाबेटा पीक के लिए निकले। ये चोटी ऊटी और उसके आसपास के खूबसूरत पिकनिक स्थलों में आती है। समुद्र तल से 2637 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। आप वाहन की मदद से शिखर तक पहुंच सकते हैं या फिर ट्रैकिंग करते हुए चोटी तक पहुंच सकते हैं। यहाँ जाने का सबसे अच्छा समय सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे के बीच है। यहाँ की एंट्री फीस 5 साल के ऊपर के लोगों के लिए 6 रुपये है और उसके नीचे की उम्र के लिए फ्री है, और साथ ही फोटोग्राफी के लिए 10 रुपया और वीडियोग्राफी के लिए 50 रुपये फीस है। डोडाबेटा पीक से 10 मिनट की ड्राइव करके आप ऊटी की प्रसिद्ध टी स्टेट व्यू पॉइंट जा सकते हैं। जैसा कि नाम से मालूम पड़ता है, टी स्टेट व्यू पॉइंट एक विशाल चाय की संपत्ति है, इसमें एक संग्रहालय और एक चाय का कारखाना भी है जहां पर आप एक कप ताज़ी चाय का स्वाद ले सकते हैं। इसके अलावा आप फैक्ट्री आउटलेट पर विभिन्न प्रकार की चाय, चॉकलेट, आवश्यक तेल और अन्य स्मृति चिन्ह खरीदारी कर सकते हैं। यहां जाने का समय सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे के बीच में है। 50 हेक्टर में फैले ऊटी बोटनिकल गार्डन में स्वदेशी और विदेशी पौधों और पेड़ों की अलग अलग 1000 प्रजातियां हैं। साथ ही यह उद्यान रंगीन नीलगिरी पक्षियों का भी घर है, जो पेड़ों और बाड़ों में अपने घोंसले बनाते रहते हैं। यहां टहलते हुए लोगों को बेहद शांति का अनुभव होता है। यहां पर आप सुबह 7 बजे से शाम को 6:30 बजे के बीच में कभी भी घूमने जा सकते हैं। बच्चों के लिए यहाँ पर एंट्री फीस 15 रुपये है, वही बड़ों के लिए 30 रुपये है। दोस्तों दोपहर का खाना खाने के बाद मन को शांति करने के लिए ऊटी झील जा सकते हैं। यूके लिप्टन के घने पेड़ों से घिरी ऊटी झील दर्शनीय स्थलों की यात्रा के बाद आराम करने के लिए एक आदर्श स्थान के रूप में कार्य करती है। यहाँ के प्रमुख आकर्षणों में नाव सवारी, मिनी ट्रेन की सवारी, साइकिल चलाना और एक मनोरंजन पार्क शामिल है। यहाँ जाने का समय सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे के बीच है, और भारतीयों के लिए फीस यहाँ पर 13 रुपये है, तो वहीं विदेशी पर्यटकों के लिए 560 रुपये है। यहाँ मस्ती करने के बाद आप ऊटी की लोकल मार्केट में ख़रीदारी करने के लिए भी जा सकते हैं। दोस्तों अपने दूसरे दिन की शुरुआत 9वीं मील की शूटिंग से करें, जिसे वेनलोक डाउन्स भी कहा जाता है। यहाँ कई फेमस फिल्मों की शूटिंग भी की गई है, जिनमें कुछ कुछ होता है, दीवाना और राजा हिंदुस्तानी शामिल है। इस जगह में घने जंगलों से घिरे हरे भरे घास के मैदान और नीलगिरी पहाड़ियाँ यहाँ के नज़ारों को और भी खूबसूरत बना देती है। यहाँ जाने का समय सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे के बीच में है, और यहाँ की एंट्री फीस 10 रुपये है। दोस्तों 15 मिनट की दूरी पर अगला स्पॉट खूबसूरत पाइकारा वाटरफॉल है, जिसे देखने के लिए लोग जरूर जाते हैं। पाइकारा झरना मुकुर्ती की चट्टानों से निकलता है और शानदार पाइकारा झील में विलीन होने से पहले कुंड में गिरता है। झरने की प्राकृतिक सुंदरता को देखने के अलावा आप झील के पास घुड़सवारी और बोटिंग का आनंद ले सकते हैं। पाइकारा झरना आप सुबह 8:30 बजे से शाम को 5 बजे के बीच जा सकते हैं। दोस्तों नीलगिरी माउंटेन रेलवे की सवारी करने के लिए एक अद्भुत और कुछ नया अनुभव कराने वाली सवारी है। दोस्तों आप उदगमंडलम स्टेशन से दोपहर 2 बजे से शुरू होती है और लगभग 2:25 पे केटी पहुंचती है। केटी में कुछ समय बिताने के बाद सड़क मार्ग से सरकारी रोज गार्डन जा सकते हैं। इस टॉय ट्रेन में घूमने की जगह पर आप अपना दूसरा विकल्प सरकारी म्यूजियम में भी भ्रमण करने का चुन सकते हैं। और इसी के साथ आपके ऊटी घूमने के 2 दिन पूरे होते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना और कमेंट में बताना आपको इनमें से कौन सी जगह पसंद आई।
और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।